कैसे बता दूं? 640 रुपए है। कितने काटूं? ले भाई तेरा पैसा तो गंगा में आ गया। हाँ जो भी है अपने 20 हैं 50 हैं वो इतने देते हैं। कितने काटूं? 50 590 रह गए आप पे। 500 रुपए हैं मेरे पे। बर्तन मिलने के और दे दो दाल। कौन कौन सी? सबुत्ती सबुत्ती और ए कांगेर की नाली में तू पागल डाल दे दे। काली दाल और उड़द की धुली हुई कहेंगे। लाल मसरी है दे दूं? हाँ चने की भी नहीं है अभी, थोड़ा गेहूँ से कट रहे ना, सजा के हिसाब से बनने वाला लग जाता मेरा। ये लाल मसरी दे दी और सोयाबीन सरफ तेल हल्दी मिर्च धनिया जीरा बाद में लूँ जी पैसे में क्या है सब। बर्तन वाली नहीं आई अभी, गरीबी की वजह से इलाज नहीं हो पाया। अरे बता क्या कुत्ते ने कटता था। अरे डॉक्टर भी सब लालची हो रहे हैं, थोड़ा सा देखते ही नहीं। ये हो गया आप पे 680 रुपये, आप पे हो गए 300 500 2420 2470 2520 2620 रुपये हो गए। 2620 ठीक है, बस यही चाहिए था तेल कर अभी भैया। इनमें इतने पैसे नहीं, नहीं कुछ और हल्दी मिर्च वगैरह भी ले लो। ठीक है, दे दो हल्दी मिर्च भी। जीरा भी लेंगे क्या? जीरा भी लेना दे दो, जब हो रहे तो जान देना। ये चीज लानी तो पड़ेगी बाजार से, लाओ से कहीं लाओ बाजार से, लाओ तो कैसे भी तो नहीं है। मैं उठा रहा था जैसे पकड़ो आप। और कुछ कोई सी दाल दोल? दाल तो नहीं हमको भैया। ठीक है आलू खाने? आलू बनाइए। चलो बढ़िया आलू बनाओ। हाँ सोनिया भाभी आंटी नमस्ते। आंटी बताओ आंटी आप भी हाँ सोनिया भाभी और डोन चंदो क्या हाल हो रहे तेरे? तेरा बदमाशी में नाम लिखा हुआ है, बदमाश है यहाँ से, बदमाश है वो, ये गुंडा है यहाँ का, तेरा बदमाश का दंत कांति कर रहा। देखो कोलगेट ऐसे सही करता है दंत कांति, तेरी मम्मी कितना झूठ बोल रहा है यार। 10-20 रुपए जो भी पड़े दिलवा दे गरीब आदमी को बेचारे को। हाँ 500 तो तुम्हें देखे भी नहीं होंगे। 500 वाला ये पक्का पक्का सही है। बाहर बोल कर हम सामान ना लेते नहीं, हमें सामान कहीं दुकान से नहीं लाए। आओ कितना एक कप करिए ऐसे का देखो 800 रुपए 800 तो 500 ले लिया है। 500 का 2000 दे दे। 270 रुपए 1000 देगा 200 रुपए बचेंगे, 200 का तो हमें सामान दे दे। ठीक है सर भी दो आपको इसका क्लियर हो जाएगा फिर 170 रहेगा। ठीक है भाई साहब जरा कुछ क्लियर हो। गेहूं कटे उस वजह से प्रोजेक्ट खराब हो गया। लोग जेडी कर रहे हैं, देनी होगी किसी ने। और पहले ही लोगों को इतना मोटा औजार पड़ा हुआ, हिसाब किताब बिगड़ता जा रहा। तो और कुछ नहीं चाहिए आपको? तेल सरफ दाल दोल कुछ? ठीक हाँ भैया हाँ तुमने मना करा था ना बार को तो कितना मना करा था मैं तो ये ना लगे तो काट के नहीं मटेरियल। ठीक है बार को जाऊंगा पर आज बस पता होगा पैसा उतर जाएंगे। फोन ले लो मारा ला दे फोन हैं दिखा तो दिखा दे। कभी मेरे पापा ने भी लिया था ऐसा फोन साला। हाँ 700 रुपये का आया था। चले हो चला सिंपनेस में भी अच्छा लव बात हो गया। हां कितना का है? 700 रुपए मिला था मैं भी कितने तक का बैठे थे वो वीडियो बना दे। देख बोलो देखो हां हां ये बहुत मैक्रोनी खा रहे भाई देख लो। बस ऐसा मैक्रोनी मैक्रोनी चाहिए
घर में रखी होगी ना मैक्रोनी, जब भी बिगड़ जाए वो घर में रखा होगा पैकेट मैक्रोनी। 1430 है देना कुछ, कितने 500 920 रह गए सामान, क्या दूँ सरप की थैली, एक तेल हो गया, एक सरप हो गया 200 रुपये, और एक कैप चाय पत्ती 290 रुपये, और एक साबुत मछली है ना 350, और 930 में ये हो गया आपके 980, 1280 रुपये हो गए, 1280। आंटी पे हैं 490 रुपये, तेल ले लीजिए बाद में, बता बता। काली दाल भी आ गई, साबुत मछली, लाल मछली भी है, सोयाबीन भी है, बताओ आप मुझे। अब जला रहे बाजी दे रहे हैं, नहीं परसों पक्का आ जाइयो, मैं आपको मैं थोड़ा लेट आऊंगा, पहले मैं उसमें जाऊंगा फजलपुर में, तो पैसे कैसे देकर जाओगे आप? नहीं मैं घर ही, चलो ठीक है आ जाऊंगा शनिवार को मैं, आ जाइयो पक्का। पक्का जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा। 3055 रुपये हो रहे आपके, हमारे पास 3000 ही थे पूरे बाद में 55 की, 3000 है मेरे को पूरे, फिर 55 की सरफ थी ले ली 5 तारीख तीसरे महीने में मार्च में, कितने एक महीने से ज़्यादा हो गया, दो महीने हो लिए मई में, 5-2 महीने हो गए पूरे 660। मैं भी चलूँगा। आंटी नहीं है क्या देना? क्या देना? एक जीरा, सोयाबीन, बेसन, तेल, तेल की बोतल, और पैसे हो रहे हैं आंटी पे 4285 हैं पहले, और ये हो गया आज के 100, 150, 300, 4500, 90 रुपये हो गए, कितने देगी आंटी? जल्दी दे दी 140 की, ओ माई गॉड 4540, ओ 90 रुपये, किसी किसी कस्टमर बहुत ज़्यादा रुपया है, वो देख लिया आपने इतने इस तरीके से पैसे पड़ा हुआ है, तो दिमाग से काम कर रहा, पर अब जो सब कुछ ठीक होने वाला है, अब काम पे ध्यान दे दिया है, तो ये सब है जो मज़ा आएगा काम करने में, सामान जीरा तेल हल्दी मिर्च, ठीक है, कितना बढ़िया होगा ना कि जब ये वीडियो मैं आज से 10 साल बाद देखूँगा, जब मैं टाटा बिरला बन चुका हूँगा, कि मैंने ऐसा काम किया था अपना, ऐसे शुरुआत की थी काम की, पहली वीडियो नहीं बन पाई यार, जो 10 साल 11 साल से कर रहा हूँ मैं काम, बनाई भी थी मैंने किसी किसी के फ़ोन से, फिर मैं ब्लूटूथ से ले लिया करता था मेमोरी कार्ड में, वो मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाया करते थे, उन्हें जो है इसलिए वीडियो नहीं बन पाई मेरी, मतलब है नहीं मेरे पास, खैर अब तो है, तो बस यही है यार सपोर्ट करो, हर फिर देखो बाद में, बीच बीच में जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना कि अभी डॉक्टर के बारे में पूछ, आप लेके रखियो परसों को आऊँगा मैं, सुबह को तो आ नहीं सकता, बता दियो आंटी को कि 4590 रुपये हो गए, 4590 शनिवार को आऊँगा परसों को, और मैं पहले फाजिलपुर जाऊँगा फिर वहाँ से उठते जाऊँगा, टाइम लगेगा जाने में, आप लेके रखियो ठीक है। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तो आज की कमाई जो है लगभग मेरी हो चुकी है, सर्फ आज कम बिका, 50 पैकेट ही लाया था, लगभग जो है 27-28 पैकेट आज बिक चुके हैं, 30 मान लो 15 के हिसाब से 450 का नोट वहाँ पे बन गया, और जो है तेल की बोतल थी 16 में से जो है लगभग 11-12 बोतल तेल की बिक चुकी हैं, 10 ही मान लो 15 के हिसाब से 150 वहाँ पे 600 नोट हो गया, हल्दी मिर्च बिकी है ज़्यादा 15 रुपये एक पैकेट बचती है, लगभग जो है मिर्च के 9 पैकेट के आसपास बिके हैं, हल्दी के भी 7-8 पैकेट बिके हैं, वही उस पर जो है 250 रुपये के आसपास उस पर बन चुके हैं, जीरा बिका है मेरा 1 किलो, एक पैकेट पे 10 रुपये बने हैं, 10 पैकेट थे टोटल 100 रुपये उसका नोट उस पर बन गया, चाय पत्ती बिकी मेरी 8 पैकेट, एक पैकेट बचते हैं 15 रुपये, 15-120 वहाँ से, मोटा मोटा बात क्या नहीं किया 1100-1200 रुपये की दिहाड़ी अपनी हो चुकी है, ठीक है 2-3 घंटे में, सुबह 6:30 बजे निकला था, और यही कोई समय अब जा 9:30-9 बजे के आसपास हो रहा है, ये रहा अपना थैला, और जो है आपने उधार भी देख लिया होगा कितना कितना लोग गोभी पड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिली वाले रिलेशन से हो गए हैं मेरा, और उनका काम करने का तरीका यही है, हाँ बस ये है कि मैंने उधार ज़्यादा दिया हुआ है, ये गलत है, बस मैं अब उन पर कंट्रोल कर रहा हूँ, अब थोड़ा तरीके से दूंगा, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ाना है ना, अब जब पैसे की अल्टा पल्टी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, तो फ्रेंड अभी आपने देखा होगा जब सुबह जब मैं एक जगह रुका था वहाँ पे मैं एक लड़के के बारे में बात कर रहा था कि उनका लड़का कैसा है, तो वो मर गया, वो पता किस वजह से मरा,
अब उसके बारे में मैं क्यों जानकारी दे रहा हूँ, उसका भी उद्देश्य है, क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना फ्रेंड, आपको थोड़ा ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं शादीशुदी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी और जो है संन्यास लूँगा, बाद में ब्रह्मचारी जीवन बिताऊँगा। समाज सेवा करने का मतलब मेरा इरादा है, नेचुरली अंदर से मतलब फीलिंग है बचपन से ऐसी। तो इस वजह से जो है बहुत मोटा पैसा चाहिए होगा सबके लिए, भीख में किसी से मांग नहीं सकता कि डोनेशन दे दो, ये कर दो वो कर दो, अपने खुद के पैसों से करना चाहता हूँ। जब पता ही आपको एनजीओ वगैरह बन जाता है, फिर लोग सपोर्ट भी करते हैं, जब बड़ा एनजीओ बन जाएगा मेरा तो लोग भी सपोर्ट करेंगे, उनका मोस्ट वेलकम, उनके लिए मतलब मैं मना नहीं करूँगा। तो मेरा उद्देश्य जो है समाज सेवा का है कि लोगों की हेल्प करूँ। एनिमल लवर मैं हुई, एनिमल के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना ही करना है, उनके लिए हॉस्पिटल और जो है गौशाला वगैरह बनानी है। बछड़े हैं, कितने दुखी होते हैं बेचारे बछड़े, सब बछड़े को जब मेरा बजट अच्छा बनेगा कि जो है मैं गौशाला बनाऊंगा, अभी मेरा जो दिमाग में चल रहा है ना 10 बीघे ज़मीन आसपास लूँगा मैं, जब थोड़ा पैसा आ जाएगा, और सारे बछड़े अपने पास रखूँगा, उनको खाना पीना खुद से दूंगा, हो जाएगा सब मैनेजमेंट, क्योंकि गांव में जाता हूँ मैं, यहाँ से भी भुस्सा वुस्सा मिल जाएगा, कर देंगे लोग सपोर्ट, खैर वो एक अलग बात हो गई। तो फिर जो है इस तरह का मतलब इरादा है समाज सेवा का। तो अब इस लड़के के बारे में बता रहा था मैं, पता है किस वजह से मरा, गरीब आदमी है बेचारा, इसके पापा भी नहीं है, 4 इसके बहन है और शायद ये 2 भाई थे, कन्फर्म भी नहीं है कि एक ही था या 2 थे, छोटा लड़का था ये, लगभग 14-15 साल के आसपास लड़का था, इसके काटा था कुत्ते ने, और कुत्ते ने काटने की वजह से ये सरकारी अस्पताल में गए, तो वहाँ पे इंजेक्शन इनको मिला नहीं, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी अस्पताल वाले जो है उन्होंने इंजेक्शन को भेज देते हैं, उन्होंने कहा कि अभी है नहीं, बाहर ये लगा नहीं पाए, बाहर आता है 350 रुपये का एक इंजेक्शन, और लगते हैं इंजेक्शन 5, वो मुझे इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं कुत्तों का इलाज करता हूँ, आपने देखा है मेरे कुत्ते काटते रहते हैं, तो मैं खुद इंजेक्शन लगा लेता हूँ, मैं लगाता हूँ सिर्फ 3 ही अपने बस। तो अब 350 का मैं तो बाहर से लेके लगा लेता हूँ, एजेंसी चलाता हूँ, 300 रुपये का मुझे मिलता है, तो बाहर ये गई नहीं, क्योंकि अब 350 का एक है, 5 कितने का बैठ गए, 1700-1800 रुपये का बैठ गया, अभी एक गरीब आदमी 1800 रुपये कहाँ से लाए, घर में कोई करने वाला है नहीं, बच्ची 4 जवान है, कंपनी जाती है बेचारी उनकी लड़कियाँ, मेरा भी उधार पड़ा है उन पर लगभग 3800 के आसपास। तो 3-4 महीने से इनका बच्चा बीमार था, मतलब कुत्ते ने काट लिया था ना, तो सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लग नहीं पाए, बाहर ये लगवा नहीं पाए, फिर इन्होंने जो है झाड़ फूस करवा ली थी, झाड़ देते हैं हल्दी मिर्च लगा के, जख्म पे जब कुत्ता काटते हैं ना गांव में ये करते हैं हल्दी वो मिर्च लगा लेते हैं और तेल, तो इसको इन्फेक्शन फैल गया कुछ टाइम बाद जख्म में जो है, करते 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 जो है सरकारी अस्पताल ले गए, 2-4 दिन वहाँ पे रहा, डॉक्टरों ने इग्नोर किया, मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। अब इन्होंने भी गलती करी है, जो है वहाँ से ले गए अपना प्राइवेट अस्पताल में आगे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने 2-4 दिन भर्ती रखा, दवाई दुई दी, उन्होंने कहा कि भाई जो है इस पर खर्चा मोटा आएगा, इनके पास इतना पैसा नहीं था, इन्होंने कहा कि तुम अपना आयुष्मान कार्ड ले आओ, अब इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना हुआ था, गांव में ऐसे ही होता है, कोई सीरियस नहीं लेता इन सब चीज़ को, गरीब आदमी वैसे है, हरिजन बिरादरी है बेचारी को, तो अब पता है दूसरी जो बिरादरी के प्रधान वरदान होते हैं ना वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो सोचते हैं जिसने वोट नहीं दी उसका क्या काम करवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता है, ये चीज़ें मेरे बताने से क्या हुआ। तो आयुष्मान कार्ड तो है नहीं कि दिन एक दिन में ही बन जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनने में 5-7 दिन तो लगेंगे, इस चक्कर में अस्पताल में पड़ा रहा, और वो कमीना डॉक्टर जिसके यहाँ ये अस्पताल में था उसने ये नहीं देखा कि तेरे यहाँ पड़ा हुआ, उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, मैं भी उसे देखने के लिए गया था, उसको जो है उल्टी हो रही थी, पता है उसके मुंह में से भी वो आ रहा था पस, मुआद सी हो जाती है ना वो, और देखा भी नहीं जा रहा था, कच्चा जी हो रहा था उसका, इतना बुरा हाल हो गया था, पूरी बॉडी इन्फेक्शन इतना फैल गया था रेबीज़ के अंदर, और उस कमीने डॉक्टर ने ना जो है बस जितना बेचारा का बजट था 10-20 रुपये का, जो भी दवाई का होता होगा वो करता रहा, डॉक्टर ने निकाला है नहीं अपने यहाँ से, और दवाई उसको दी नहीं, उन्होंने कहा कि भाई पैसे ले आओ इसका इलाज हो जाएगा, या ऐसे जो है अपना एम्स में ले जाओ वहाँ ले जाओ, अब गरीब आदमी यार एम्स हमारे से यहाँ से क्या 150-200 किलोमीटर है, अब वहाँ पे कैसे जाएगा, ये घर में कौन देखभाल करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ थी, इस वजह से जो है बेचारे मतलब समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, सपोर्ट किसी का होता नहीं रिश्तेदार वगैरह का। तो उस कमीने डॉक्टर ने जो है उसको मार दिया, कल मर गया वो, कल तीजा हुआ उसका, मतलब 3-4 दिन पहले मर गया होगा वो बेचारा, तो उसे डॉक्टर को जो है ना इतनी भी शर्म नहीं आई बेचारे को कि यार गरीब आदमी है, जब इसका बजट नहीं बन पा रहा दवाई दे दें। अब दवाई का बताऊं, दवाई की मुझे जानकारी है, कोई इतना तगड़ा खर्चा नहीं आता, मैं आइवरमेक्टिन की टैबलेट यूज़ करता हूँ डॉगी के लिए, पता कितने की है वो, ह्यूमैन वाली बताता हूँ मैं आपको, ह्यूमैन का प्रिंट रेट है 25 रुपये, मार्केट से 25 की मिलती है, और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो जेनेरिक मेडिकल स्टोर होता है ना वहाँ से कितने की मिलती है, 20 रुपये की 10 गोली, धरती आसमान का अंतर है, 20 रुपये में 10 गोली, कहाँ 25 रुपये में 1 गोली। तो जो फार्मेसी कंपनी होती है, डॉक्टर वॉक्टर होते हैं, इतना लूटते हैं। फिर जो है एक इंजेक्शन आता है अमोक्सिसिलिन का टैबलेट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे कितने की है, 5 रुपये की, और बाहर से कितने की है, 28 की है, किटोकोनाजोल टैबलेट आती है खुजली के लिए, बाहर कितने की है, 28 रुपये की, और मोदी वाले मेडिकल पे कितने की है, 20 रुपये की 10 गोली। क्योंकि डॉगी के लिए जो है ना मैं ह्यूमन वाली टैबलेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतना भी बजट मेरा भी नहीं है, तो इतना मतलब दवाइयों का इतना बुरा खेल है। अब जो हॉस्पिटल है ना, 1-2 जगह मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर लिया हुआ है हॉस्पिटल में, पता कितना रुपये दिया हुआ है, 25 लाख रुपये एक साल का एडवांस किराया दिया हुआ है उस स्टोर के लिए, कितनी जगह दी हुई है हॉस्पिटल ने, 10x10 का लगभग एक कमरा सा दिया, उससे भी छोटा सही है। तो अब देख लो, जिसने 25 लाख रुपये, सपोज करो मैंने मेडिकल स्टोर 25 लाख रुपये में लिया एक हॉस्पिटल में, तो 2-2.5 लाख रुपये महीना तो मैंने उसको किराया दे दिया, अब मैं वहाँ लड़के भी रखूँगा 1-2,
अपने आप भी रहूँगा, बिजली अभी खर्चा है वहाँ, बहुत सारे खर्चे होंगे, फ्रिज व्रिज भी रखना पड़ेगा। बात कहने की है कि 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये किराया उसे दे दिया, 20-50 हज़ार मेरा ऊपर का खर्चा मान लो, बताओ 3 लाख रुपये महीने तो मेरा खर्चा ही हो गया, उसके बाद मुझे कमाना भी है। तो दवाई के जानबूझ के इतने हाई रेट होते हैं, वो आपको पता ही है दवाई कितनी महंगी होती है, तो इस वजह से रेट होते हैं। तो डॉक्टर तो जो है 25 लाख रुपये लेके चलता बना, हर साल एक ही होता है, फिर वो अगले साल 26 लाख 30 लाख जो भी लेगा इस तरीके से, मतलब पैसे बढ़ाता रहता है अपने यहाँ से। तो अब जो है पर्चा कितने का है डॉक्टर का, 500 रुपये का, मेरे शहर में 300 रुपये तक कम किसी का पर्चा है ही नहीं, 300 का कोई अकेला सा डॉक्टर होगा जिसके पास कोई आता जाता नहीं, यानी 500 रुपये का पर्चा सबका है। अब आपको पता ही है कितनी भीड़ रहती है, अगर मोटा मोटा 100 आदमी भी लगा लेना वहाँ पे 100 आदमी आते होंगे उसके पास, 50,000 रुपये डेली पर्चे के इकट्ठे होते हैं। और जो है कितना स्टाफ होगा, 20 बंदे होंगे उनके पास, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी किसी के ऊपर नहीं है, जो भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मेरे भी जानने वाले काम करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी है लड़की वड़की जो भी रखते हैं नर्स वगैरह पर, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी मान लो, कितनी बैठ गई 20 आदमियों की, 4 लाख रुपये सैलरी बैठती है, ठीक है। और भाई वहाँ पे बिजली का खर्चा और ये जो है इन्वर्टर वगैरह और ये क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह, ये 2-4 लाख रुपये का खर्चा मान लो, मतलब 5-7 लाख रुपये तो पूरा खर्चा, 6-7 लाख रुपये तो पूरा खर्चा नहीं आता एक हॉस्पिटल का। और डॉक्टर फीस देखो कितनी महंगी लेता है, और वो जो है इधर उधर डोनेशन कर देंगे अपने ऊपर जो है इतना पैसा खर्च कर देंगे गाड़ियों में लेने में, और 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है उस लड़के पे बेचारे को ट्रीटमेंट करने में, 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा कुल। डॉक्टर तो उसको 50 हज़ार का बिल बना के देता है, पर उसकी जेब से तो 5-7 हज़ार रुपये लगते, दवाई वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही मंगवा सकता था, वहाँ पे सारी दवाइयाँ मिलती हैं, पर जानबूझ के वहाँ दवाई नहीं लिखते हैं क्योंकि मेडिकल अपनी से बेचनी है ना, फिर वो मेडिकल वाले ने जिसने 25 लाख रुपये दिए हैं वो क्या वहाँ क्या कद्दू चिरेगा। तो बात कहने की यह है कि डॉक्टर की मैं बुराई कर रहा हूँ कि इतने हराम के डॉक्टर हो रहे हैं बहुत से, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत से समाजसेवी भी हैं बेचारे, हेल्प भी करते हैं, दुख तकलीफ भी समझते हैं। अरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़कों पे से बुला बुला के लोगों का फ्री में इलाज करो, पर यार जो तुम्हारे यहाँ पेशेंट भर्ती हो गया है, जब तुम देख रहे हो 10 दिन से उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है बेचारे का, उसका हिसाब नहीं बन पा रहा है, गरीब आदमी है कोई आ नहीं रहा, एक लेडीज आती है तो उसकी यार हेल्प कर सकते हो, उसे बिल बना के देते भाई तुम्हारा 50 हज़ार रुपये का बिल हो गया, ठीक कर देते, वो लेडीज पैसे देती तो अच्छी बात, और गरीब आदमी बेचारा दे ही दे, जैसे कि अगर चलो नहीं देती तो हम उसे बता तो देते तेरे ऊपर मेरा एहसान है 50 हज़ार रुपये का जितने का भी बिल बनता, पर वो बेचारा मर गया, बहुत दुख हुआ। सबसे छोटा बच्चा था, 4 लड़की पहले ही है, उन्होंने 4 बच्चे इसलिए पैदा, लड़कियाँ पैदा करी कि 5 बच्चे इसलिए पैदा किया बेचारा कि लड़का हो जाए, मतलब यानी जो है 2-3 बच्चे कर लेते, तो उसका तो सारा गया बेचारी का पैसा, पैसा लगा और वो इतनी टेंशन में है, तो दुख होता है यार ये सब देख के। अब मैंने ये बात क्यों बताई, मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं आने वाले समय में हॉस्पिटल वगैरह ही बनाऊंगा जब मेरे पास पैसा होगा, और वहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो इस तरह के गरीब आदमी है ना उनको इलाज मिल जाए, हर किसी का इलाज नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं ना उनका मतलब एक व्यवस्था बनाएंगे वो, उस टाइम ही सोचा जाएगा किस तरह का हो कि एक गरीब आदमी को इलाज मिल जाए। कॉलेज वगैरह भी होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा डॉक्टर हमारे देश में होंगे उतना इलाज सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जब हर जगह हॉस्पिटल होंगे ना वो पर्चा ऑटोमेटिक सस्ता कर देंगे कंपटीशन के चक्कर में कि भाई मेरे पास बंदा आ जाए, मेरे पास बंदा आ जाए। तो डॉक्टर की बहुत कमी है, और जो है मतलब समाज सेवा का मैंने जैसा आपको बताया, अब ये जो है लड़की है इनकी जब शादी करेंगे मैं इनकी हेल्प करूँगा, मैं 5-7-10 हज़ार रुपये तक का मैंने बजट बनाया हुआ है, मतलब फ्रिज वगैरह सोच रहा हूँ, मतलब जो भी कुछ बजने का मैं पूछ लूँगा आंटी से। तो ये हाल है, तो समाज सेवा करने का इरादा है, ये सब चीज़ देख देख के मतलब दुख होता है यार कि आदमी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकता। वैसे तो मंदिरों में इतना रुपया दान कर देंगे, इधर उधर दान कर देंगे दुनिया भर का, क्योंकि वहाँ पे पर्चा बनता है ना कि फला आदमी ने 21 लाख रुपये दान किए, ये किए वो किए। तो बस यही जानकारी देनी थी। तो फ्रेंड ब्लॉग तो ये ख़त्म हो गया, कस्टमर आपने देख लिए किस तरीके से के कस्टमर हैं, अब सारे तो मैं दिखा नहीं सकता, डायरेक्ट उनकी वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि सबको यार अजीब सा लगता है ना कि हमारी वीडियो बना रहा है, लड़कियाँ भी होती हैं ये भी होती हैं, तो वीडियो तो मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता, जैसे जैसे मौका मिलता है मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लेता हूँ। तो इस तरह के कस्टमर है, इतना मेरा रुपया पड़ा हुआ है। तो आप थोड़ी सी और प्लानिंग बता दूँ कि किस बेस पर, मतलब मैं जो टाटा बिरला बनना सोच रहा हूँ अभी का मेन फोकस क्या है, ये फेरी का तो काम कर ही रहा हूँ, इससे जो है मैं पूरा जो मैंने अपनी कैलकुलेशन डायरी में जो नोट कर लेता हूँ मैं क्या मुझे आगे करना है, तो मैंने उसमें जो कैलकुलेशन वगैरह अपनी नोट की है ना, 1 लाख रुपये तक महीना इस पर आराम से कमा लूँगा मैं, रोज़ का 3 हज़ार रुपये के आसपास कमा लूँगा, जो कि 1,200 आज कमा लेता हूँ तो और आगे कमा लूँगा और भी ज़्यादा। फिर कमेटी का बताया था मैंने आपको, वो मेरा साइड बिजनेस हो गया, एक कमेटी पे 20 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट होता है, कमेटी डाल रखी है फिलहाल 3, यानी 60 हज़ार रुपये आ जाएगा वहाँ से, पर महीने का लगभग 1500 रुपये बैठता है, यानी 4500 रुपये महीना मेरा वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। कमेटी के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा, कुछ भी नहीं करना पड़ता जो है, पैसे के पैसे सुरक्षित रहते हैं, बस कमेटी जिसके पास डाल रखी है वो भागने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। तो 4500 रुपये वहाँ से आना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके मैं कमेटी की संख्या बढ़ा दूंगा जैसे मेरी यहाँ से इनकम बढ़ेगी। 15 महीने की एक कमेटी होती है, लगभग हर महीने एक कमेटी डालूंगा तो फिर क्या होगा, हर महीने एक कमेटी पूरी हो जाएगी रहेगी, तो जो है हर महीने एक कमेटी में 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है ना, तो 20-20 हज़ार रुपये मेरा यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में इनकी संख्या और बढ़ाऊंगा, 30 कमेटी तक मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो बंदे हैं ना जो बहुत ही भरोसे वाले बंदे हैं उनके पास 30 कमेटी डल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं डल सकती क्योंकि वो भागेगी भी मेरा पैसा लेकर, उनको मतलब पूरा विश्वास है। तो 40 हज़ार रुपये मेरा महीना यहाँ तक आना शुरू हो जाएगा साल के आखिर तक,
अप्रैल तारीख है आज 27 अप्रैल 2023, तो इसके आखिर तक जनवरी में मेरे पास लगभग 40,000 रुपये महीना यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। 1,00,000 रुपये तक मेरी पक्का 100% इनकम यहाँ से बन चुकी होगी। 1,00,000 ही 40,000 1,50,000 रुपये हो गया। और फिर जो है सरप का मैंने बताया था, सरप में मेरे 1,00,000 रुपये लगने वाला है, बस मैं सरप का काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको उसकी जो है वीडियो भी दिखाऊंगा। तो सरप से जो है अभी मुझे सरप मैं बाहर से खरीदता हूँ, 10 रुपये मुझे सरप पे फिलहाल बचते हैं, 10 रुपये पैकेट पे। जब मेरा सरप खुद का बन जाएगा ना, मुझे 15 से 17 रुपये सरप पे बचेंगे, मैं खुद बनाऊंगा, तो 7 रुपये मेरे वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे रोज के 100 रुपोज करो, 100 पैकेट बेचता हूँ तो 7 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे, 700 रुपये यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। 700 का मतलब है 7 के 20-25 हज़ार रुपये यहाँ सरप मेरा देना स्टार्ट कर देगा। वही मतलब जो है 2,00,000 रुपये के आसपास इनकम मैं पहुँचा दूंगा साल के आखिर तक, 2,00,000 रुपये। फिर मुझे फैक्ट्री लगानी है जमीन लेके जो है सरप की, जहाँ मेरी फैक्ट्री लगी 8-10 लाख रुपये महीना मेरा आराम से चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, मैं उसमें इतनी ज़बरदस्त स्कीम डालूंगा अपने सरप में कि हर जगह मेरा ही सरप बिकेगा। क्योंकि मैंने ये सब पहले भी किया है और मैंने देखा भी है ये चीज़ कि लोगों को जो है क्वालिटी अच्छी थे, तो उसके अंदर गरीब लोग हैं ना बेचारे, हैं स्कीम के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे मेरी चाय पत्ती है 90 रुपये का पैकेट है, उसके सिर्फ अंदर 2-4 रुपये की चम्मच पड़ी हुई है, चक्कर में सब वही खरीदते हैं मेरे से पत्ती का पैकेट। तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ कि मेरा हर जगह मेरा ही सरप होगा, बहुत भारी मात्रा में सरप मिलेगा बिकेगा, तो इस बेस पर मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक का मेरा अभी यह है पक्का। और फिर बाद में मैंने आपको फिलहाल मतलब 3 चीज़ मुझे करनी है, फिर साल के आखिर में जब मेरे पास 2,00,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दूंगा, फिर मैं प्रॉपर्टी में घुसूंगा। प्रॉपर्टी की मुझे नॉलेज है थोड़ी, मेरे पापा भी करते थे काम और मेरे रिश्तेदार करते हैं, मकान वकान बनाएंगे, एक मकान 15-20 लाख रुपये में बन जाता है। तो एक दिन में तो पैसा लगना नहीं, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे पैसा लगाऊंगा, वो साइड बिजनेस हो जाएगा। वो साल में 6 महीने जब भी मकान बिकेगा 2-4 लाख रुपये वो भी देगा जाएगा, एक मकान बनेगा फिर 2 मकान, जिस बिजनेस में जो पैसा लगेगा ना उसमें से मैं वापस नहीं निकालूंगा। जैसे एक मकान बनेगा जब कभी वो बिकेगा, जैसे मेरा 20 लाख का मकान बन के तैयार हुआ, 25 में वो बिक गया, 25 आ गए, फिर उसमें थोड़ा सा और पैसा डाल के 2 मकान बनाऊंगा, फिर वो जब मर्जी, फिर एक सर्किल सा हो जाएगा कि एक साल में सपोज करो 2 मकान बिक गए, तो एवरेज में जो है कि 6-6 महीने में मान सकते हैं कि लो भाई 6 महीने में एवरेज आ गया। फिर 3 मकान बनाएंगे, एक साल में सपोज करो 3 मकान बिक गए, मतलब फिर वो रहता है ना कि चलो ये नहीं बिका तो वो बिक गया, वो नहीं बिका तो ये बिक गया। इस तरीके से जो है 4 मकान 5 मकान इस तरीके से मैं मकान बनाऊंगा, वहाँ से मतलब पैसा वहीं का वहीं लगाता रहूँगा। इधर फैक्ट्री बड़ी होती रहेगी, इधर कमेटी का भी हिसाब बनता रहेगा, और केमिकल का भी मुझे बेचना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अभी तो फिलहाल ये प्लानिंग है, तो इस ये साल तो पूरा इसमें डूब लगने वाला है, तो इस साल तो बस मेरी जो है 2,00,000 रुपये तक इनकम पहुँच जाएगी। और बस अभी का तो यही है, तो अभी के लिए नमस्ते दोस्तों, बस आप सपोर्ट करो। बस यह है कि अभी इरादा कर लिया यार कि बड़ा आदमी बनना है, और बस इसी में मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होगा। बड़ा आदमी बनना है, बस कमाल की बात है ना, मतलब बोलने का तरीका नहीं है, लहजा नहीं है, कुछ भी है, और मैं बड़ा आदमी बनूंगा जब सब देख रहे होंगे मेरी वीडियो, उस टाइम तो पता लगेगा कि मैं कितना साधारण आदमी था और मैं आज कहाँ पे पहुँच गया। मेरी बहुत सारी फोटो वीडियो भी हैं, धीरे धीरे करके मैं सारी इसमें लगाता रहूँगा, मैं दिखाता रहूँगा कि कितना साधारण मैं हूँ, कहाँ रहता हूँ। आज क्या थोड़ा सा एक गांव मुझे और जाना था, मेरे 200-300 रुपये आराम से वहाँ बन जाते, 1500 रुपये कमा लेता मैं। पर क्या था यार कि रात लाइट नहीं थी, मच्छरों ने काटा, नींद पूरी नहीं हो पाई। रात को मैं 11-12 बजे सोया ही था, फिर 3 बजे उठ गया, मच्छर ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ऑल आउट चल नहीं पाया, मोरटीन ख़त्म हो रही थी, तो इस वजह से फिर सुबह जो है 5 बजे उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि 6:30 बजे निकल जाता हूँ मैं, 5:30 बजे उठ के फिर ये नहाना धोना तो मैं करता नहीं, क्या शाम को ही नहाता हूँ मैं, सामान सुमून का सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है ना, तो इसलिए जो है आज भी बस बदन सा टूट रहा है, घर जाके मैं सोऊंगा। अभी के लिए बस इतना है। अच्छा तो ये देख लो, मैं गांव में खड़ा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेहूँ कट रहे हैं लोग, गेहूँ पड़े हैं वहाँ पे, माड़ी है, ये जंगल है, और बस यहाँ पीछे गाँव है 2-4 किलोमीटर ही, वो जहाँ से मैं निकला, मैं यहाँ पे अपनी बात पूरी की। तो बस बने रहे हैं आप,